हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज सेफ्टी रूल्स। सो आज इस पैंडेमिक में सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल आप सबको पता है, यू हैव टू हैंड वॉश योर हैंड और सैनिटाइज योर हैंड, मेक डिस्टेंस, है ना, दो फीट की दूरी बना के रखनी है आपको, ठीक है, हैंड वॉश करना है और मास्क लगा के रखना है। ये वो सेफ्टी रूल्स हैं जो अब आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा बहुत से सेफ्टी रूल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फॉलो करने के लिए। अगर उनको आप फॉलो ना करो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, सो टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड बी सेफ, वी शुड बी अलर्ट। एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए और खुद को सेफ रखने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अलर्ट रहना। आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। So here you can see a girl, she was telling us these rules, okay? सबसे पहले अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, here I will talk about these things। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ बच्चों को, so the boy is crossing the road on a zebra crossing, right? The girl is walking on a footpath and the boy is playing on a road, right? अब देखिए, अब आप बताइए इसमें से कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी गलत हैं। सो फुटपाथ पे चलना बिल्कुल सही है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना रोड बिल्कुल सही है, रोड पर खेलना, क्या रोड पर खेलना सेफ है? नो। देखिए आगे से गाड़ी आ रही है और ये बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, उस गाड़ी से उस बच्चे का भी एक्सीडेंट हो सकता है और उस गाड़ी वाले का भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो दोनों को चोट लग सकती है। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना, ठीक है। सो क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली, आपको हमेशा रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करनी चाहिए। ये देखिए, ये जो बॉय है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहा है। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट लुक लाइक अ ज़ेब्रा, जैसे ज़ेब्रा की बॉडी पे व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रैप्स होते हैं वैसे ही ये व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रैप होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ, द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए क्योंकि रोड पर गाड़ी चलती है, इसलिए आप फुटपाथ पे आसानी से वॉक कर सकते हो। ओके, नेवर रन और प्ले ऑन रोड, आपको कभी भी रोड पर खेलना या चलना नहीं चाहिए। ओके, समझ में आया? लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले आपको ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए, हमेशा ट्रैफिक लाइट को देखकर ही रोड क्रॉस नहीं चाहिए। देखिए ये क्या है, ये ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं, तीन कलर हैं, आपको दिख रहे होंगे, इन तीन कलर का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि ये रेड है, रेड जो ट्रैफिक लाइट होती है इसका मतलब होता है डेंजर, तो डेंजर का मीनिंग क्या हुआ, आपको रुकना है। ओके, ग्रीन लाइट का मीनिंग होता है अब आप तैयार हो जाइए रोड को क्रॉस करने के लिए, जैसे ये लाइट येलो लाइट का मतलब होता है आप रेडी हो जाइए रोड क्रॉस करने के लिए, और जैसे ही आपकी लाइट ग्रीन होगी आप तुरंत अपनी रोड क्रॉस कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी ट्रैफिक लाइट है और इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक लाइट, अगर ये तो ट्रैफिक लाइट है लेकिन अगर ट्रैफिक लाइट नहीं हुई तब आपको क्या करना है, व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक लाइट फर्स्ट लुक एट योर राइट, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, राइट में देखेंगे, देन आप लेफ्ट में देखेंगे, उसके बाद दोबारा राइट में देखेंगे, क्या देखेंगे, राइट लेफ्ट राइट, उसके बाद जब रोड क्लियर दिखेगी तब आप रोड को क्रॉस करेंगे। ओके, रेड लाइट मीनिंग स्टॉप, येलो लाइट मीनिंग गेट रेडी टू गो एंड ग्रीन लाइट मीनिंग गो, समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारे सेफ्टी रूल्स थे जो हमें रोड पर फॉलो करने चाहिए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द सेफ्टी रूल इन आवर हाउस। ओके, Have a great day. Stay home, stay safe.